हाय फ्रेंड्स, कुक विद दीबा में आपका स्वागत है। अगर से आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है पनीर काली मिर्च। ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्ट में अच्छी लगने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। गैस स्टोव ऑन करें, मीडियम फ्लेम पर रखें और तवे पर काली मिर्च भून लें कुछ इस तरीके से, और इसे फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लें। दरदरा सा आपको ग्राइंड करना है, एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना है, और उसे फिर साइड में रख दें। कुछ इस तरीके से इसे भूनते रहे। ओके, अब एक बॉल लीजिए, उसमें 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने कट किए हैं। ये मैरिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। अब ऐड कीजिए 2 टीस्पून ऑफ कर्ड, 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम, मलाई, वन टीस्पून ऑफ सॉल्ट, वन टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर जो हमने भून कर ग्राइंड कर लिया था, दरदरा सा कुछ इस तरीके से। अब डालना है 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड कसूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छा अरोमा भी आता है और बहुत अच्छा स्वाद भी आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले कि सारे इंग्रेडिएंट्स पनीर को अच्छे से कवर कर ले, कुछ इस तरीके से। अब हमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ ओरिगानो, इससे भी बहुत अच्छा अरोमा आता है और बहुत अच्छे फ्लेवर्स भी आते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले कुछ इस तरीके से। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, जिससे मैरिनेट भी अच्छे से हो जाता है और जब हम ग्रिल करते हैं तब ये चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाता है। इसे डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करें, सारे पनीर उससे कोट हो जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। और अब इस मिक्सचर को हाफ आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए साइड में, ठीक है। चलो अपना गैस स्टोव ऑन करें, फ्लेम को मीडियम रखें, पानी गर्म करने के लिए रखें, और इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ी प्याज जो मैंने ऐसे 4 टुकड़ों में कट कर ली है, और 3 टीस्पून ऑफ काजू। ओके फ्रेंड्स, इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है बॉईल होने के बाद, जिससे हम ग्रेवी बनाएंगे व्हाइट ग्रेवी के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखो हमने इसे बॉईल कर लिया है अच्छे से, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसका पेस्ट हम मिक्सी में बना लेंगे और उसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ओके चलो, ये रेडी है, साइड में रख दीजिए इसे भी। अब पैन को ऑयल और बटर से ग्रीस करें और सारे पनीर के क्यूब इस तरीके से प्लेस कर दीजिए, और इसे अच्छे से ग्रिल होने दें। इसे पलटते रहिए ताकि ये हर साइड से अच्छे से ग्रिल होते रहे, कुछ इस तरीके से पलटते रहिए ताकि ये ग्रिल हो जाए काफ़ी अच्छे से। गोल्डनिश ग्रिल हो जाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। कॉर्नफ्लावर डला हुआ था तो तकलीफ़ नहीं होगी आपको, अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से इसे पलटते रहिए कंटिन्यूस, सारे साइड से अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, ग्रिल हो जाना चाहिए। देखिए ये ग्रिल हो चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से ग्रिल हो चुके हैं। फाइनल टच देना है हमें इसे, जस्ट थोड़ा सुकून का काम है, थोड़ी सी मेहनत है, बट करने बैठोगे तो रेसिपी बन जाएंगी और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर बनाएं। ये ग्रिल हो चुके हैं, इसे भी साइड में रख दीजिए एक प्लेट में निकाल कर। ओके फ्रेंड्स, चलो
गुड। अब गैस स्टोव ऑन कीजिए और मीडियम फ्लेम पर रखें और 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालें आप कढ़ाई में और उसमें डालें 1 तेज़पान, 3 लौंग, 3 ग्रीन चिलीज, 2 स्मॉल पीसेस ऑफ दालचीनी, उसका आप तड़का दें और उसके बाद डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ इस तरीके से और उसे अच्छे से भूने। सॉरी, जो वो तड़के वाला क्लिप है वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ था और मुझे लगा ऑन है तो वो क्लिप नहीं आई है। अब 1 टीस्पून डालें आप सॉल्ट और इस मसाले को अच्छे से भूने। ये ड्राई मसाले जो होते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लौंग है, तेजपान है, इसमें दालचीनी है, ग्रीन चिलीज है, अच्छे से सौते करें। अब इसमें हम डालेंगे काजू और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था बॉईल करके वो। अब इसे हम 5 मिनट्स के लिए अच्छे से भूनेंगे। देखो व्हाइट ग्रेवी है तो काफ़ी ध्यान से सारे काम करना होता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट कच्चे ना रह जाए, अच्छे से भून जाए, इसका ध्यान रखें। कुछ इस तरीके से इसे भूनते रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम जिससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत मखमली और स्मूथ सा आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो इसे भी मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट्स के लिए और इसे भून लेते हैं अच्छे से। 10 ग्राम का चीज़ का क्यूब हम डाल देते हैं, जो प्रोसेस चीज़ आता है अमूल का मैंने वो डाला है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरीके से चलो भूनो। हमने जो पनीर मैरिनेट किए थे वो पेस्ट बच चुका था, वो हमें यहाँ इस ग्रेवी में ऐड करना है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मसाले थे, वो सारे का टेस्ट ग्रेवी में आ जाएगा। काली मिर्च से लेके हर चीज़ थी। अब ये मसाला डालने के बाद 3 मिनट्स तक इसे अच्छे से भूने। कुछ इस तरीके से अब ऐड करते हैं हम पनीर जो ग्रिल किए हुए हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए मसाले में कुछ इस तरीके से। अब 1 कप आपको डालना है वॉर्म मिल्क, धीरे धीरे डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें कुछ इस तरीके से। और अब ये मिल्क ऐड करने के बाद 5 मिनट्स तक हमें सुकून से इसे भूनना है कुछ इस तरीके से। स्पून को चलाते रहिए। मिल्क से ग्रेवी काफ़ी क्रीमी और अच्छी बन जाती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब 1 टीस्पून ऐड करेंगे अमूल बटर और ग्रेवी को अच्छे तरीके से 2 मिनट्स के लिए भूनेंगे। ये लास्ट के 2 मिनट्स है भूनने के लिए। पनीर काली मिर्च हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। कोरिएंडर लीव्स को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये डिश काफ़ी रिच है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। देखिए लास्ट कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसे नान, पराठा, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें। हल्के से चिली फ्लेक्स मैंने इस पर डाले हैं, रेड चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर और काली मिर्च से इसे गार्निश किया है। और इस तरीके से फाइनल डिश हमारी रेडी है। तेजपान को कुछ इस तरीके से रख दिया है मैंने जो तड़के के लिए यूज़ किया हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल आइकॉन की बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उसी वजह से आगे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।